Good morning, guys. Welcome to my channel, Shivala Art. और मैं आज देख रहे हूँ मॉर्निंग में जैसे टी सबको सबके लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके साथ चाय के साथ आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ वो आपको मैं शेयर करना चाहूँगी। ये चाय वैसे अदरक वाली चाय है और मैंने मिक्स किया दूध और पानी के साथ अदरक और बॉईल किया इसको, और इसके बाद मैंने चाय पत्ती डाली है और इसको उबालने में मैं छोड़ दूंगी 2 मिनट, ठीक है। एंड टुडेज रेसिपी स्पेशल, क्योंकि क्लाइमेट बहुत अच्छा है आज 6 जनवरी 2020, सो दिस इज़ ये ऑब्वियस है आलू, बॉयल आलू। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू पराठा। इसके लिए इन्ग्रीडियंट है ऑनियन चॉप किया मैंने, ये जिंजर चॉप किया और चिली चॉप किया हुआ है, और ये कोरिएंडर है, इसको धो के मैंने अच्छे से साफ करके रखा है, इसको चॉपिंग करना है मुझे, और साथ में ये धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ऑब्वियस जो चीज़ें रेगुलर हम लोग यूज़ करते हैं, और दिस इज़ हल्दी पाउडर, चिली पाउडर और मसाला स्पाइसेस है, तो मैं ये सब नहीं डालूंगी, ये मसाला नहीं डालूंगी, हल्दी पाउडर मैंने आपको भी दिखाया। अभी मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूंगी स्वाद अनुसार, डिपेंड करता है कि मैं ज़्यादा सॉल्ट मैं ऐड नहीं कर सकती क्योंकि ऑलरेडी आटे में सॉल्ट है, सो जस्ट नॉर्मली जैसे हम लोग आलू की सब्ज़ी बनाते हैं उसमें ज़्यादा ऐड करते हैं, मगर आलू पराठे में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आलू पराठे में ऑलरेडी इसमें सॉल्ट होता है आटे में, और ज़्यादा सॉल्ट हो जाए फिर मज़ा नहीं आएगा, फिर इसको कम नहीं कर सकते। सब्ज़ी में तो कम कर सकते आप कुछ भी करके, मगर पराठे में नहीं कर सकते आप। तो ये मैं इस तरीके से बनाती हूँ, गैस को थोड़ा तेज़ कर दिया मैंने अभी, और आलू को ना इसके साथ अच्छे से मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी, ताकि ये जो कच्चापन है कांदे का, प्याज का और ऑनियन का, जो कांदा कच्चा कच्चापन होता है वो एक्चुअली निकल जाता है और खाने में ना अच्छा लगता है मुँह पे थोड़ा सा। हम लोग ऑनियन को मैं कांदा, ऑनियन, प्याज, अलग अलग जगह का अलग अलग भाषा, और आजकल के मालूम है कांदे के बारे में इतना क्यों आ रहा है, क्योंकि सबसे आज की डेट में ना तो जैसे बोलता है ना सोना खरीद नहीं सकते एवरीडे, वैसे कांदे का वैसे ही हो गया। मैंने तो 80 रुपीज़ करके लिया है, वैसे 120 चल रहा है मार्केट में, सो 80 रुपीज़ का कांदा मैंने किलो लिया है, तो इसीलिए कांदा, ऑनियन, प्याज सब चीज़ें आ रही मुँह पे, तो एक मज़ेदार है। और मैं इसके बाद ना चॉपिंग करूँगी ग्रीन अपना ये धनिया, धनिया चॉप करूँगी ना, तो धनिया को मैं चॉपिंग करके बारीक बारीक चॉपिंग करना पड़ेगा धनिया को। गैस को मैंने कम कर दिया, नहीं तो नीचे से तवा जल सकता है। बहुत ज़्यादा धनिया है मगर अच्छा लगेगा खाने में, स्वाद में अच्छा लगता है धनिया, तो इसमें से इतना नहीं डालूंगी मैं, थोड़ा सा ही डालूंगी, मतलब थोड़ा सा नहीं 60% डाल दूंगी मैं, बाकी अलग से ऐड करना हुआ तो मैं बाद में देखती हूँ मैं किसमें ऐड कर सकती हूँ, धनिया ऐड कर दूंगी। इस टाइम पे धनिया बहुत सस्ता है, 10 रुपीज़ का बहुत बड़ा गट्टी आ रहा है, वो उसको आप चटनी बनाइए, और धनिया का अभी जूस भी मैं एक दिन दिखाऊँगी, धनिया का जूस, यूजुअली धनिया धनिया जो है हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, और इस टाइम पे खास तौर से धनिया जो है बहुत ही 10 रुपीज़ का बहुत बड़ा गट्ठी आ रहा है, तो आप इसको बहुत जगह पे यूज़ कर सकते हैं, चटनी बना के रख सकते हैं, जूस पी सकते हैं, और ऑब्वियस है खाने में तो धनिया डलता ही है। इसमें नमक मैं ना थोड़ा चखूंगी कैसा है नमक का, थोड़ा कम होगा तो डाल दूंगी, अदरवाइज मुझे लगता नहीं ज़रूरत है, और खुशबू अच्छी आ रही है मगर इसमें थोड़ा घी ऐड करूँगी क्योंकि तेल से अच्छा बनता तो है, मैं घी ऐड करूँगी, तो घी के लिए ये मेरा घी का डब्बा, यस, ये काऊ का है, ठीक है, काऊ का घी है, और इसमें मैंने 2 चम्मच ये बस किया, क्योंकि सर्दियों में घी तो खाना ही चाहिए, और ख़ास तौर से पराठा वगैरह बनता है तो ऑब्वियस घी और मक्खन का यूज़ होता है, मगर आज मैं मक्खन यूज़ नहीं करूँगी, आज मैं सब घी से ही करूँगी,
थोड़ा आटा इसमें डाल रही हूँ मैं, और इसको मैं अभी आलू इसमें डालूंगी मैं। इसका बंगाली में लोग पूर बोलते हैं, पूर, और हिंदी में क्या बोलते हैं, स्टफिंग बोलते हैं, इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, भरना, भरवा, आटा भरवा, भरना। ये आटा जो है मैं भी इसके अंदर स्टफिंग कर दिया मैंने, और स्टफिंग करने के बाद ना मेन ड्यूटी ये होता है पता है, कि स्टफिंग करने के बाद अगर आपने ऐसे छोड़ के बेल दिया तो चारों तरफ ये आलू नहीं जाएगा, तो इसको अच्छे से ना आपको ऐसे 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 अच्छे से दबाना पड़ेगा। और मैंने इसको टेस्ट किया था एक्चुअली आलू को, ये जो है मैं अभी आटा बेल रही हूँ, आटे को ना अच्छे से बेलना पड़ता है, चारों तरफ इसका वो आलू फैलना चाहिए तभी मज़ा आता है खाने में। और ये जो है मैं इसको अच्छे से बेल रही हूँ आटे को, अच्छे से बेलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आलू चारों तरफ पहुँचना चाहिए, और बेलने के बाद मेरा एक तरीका है, इसको ना मैं ऐसे ऐसे साइड से दबाती हूँ, जब मैं तवे पर डालती हूँ ना, डालने के बाद ना साइड से मैं अपने हाथों से इसको पतला करते हूँ, क्योंकि साइड वाला ना कच्चा कभी कभी रह जाता है जल्दी में, तो इसको पूरी तरह से पकने के लिए ना मैं साइड आटे का ऐसे दबा देती हूँ, तो पतला भी हो जाता है और अच्छे से पक भी जाता है। ये आलू मैंने स्टफ किया था और इसको मैं अभी अभी ना इसको मैं ऐसे पलट दे रही हूँ, खाली आप ऐसे बना के ना इसको अच्छे से पराठे को पका के अच्छे से आप ऊपर से घी लगा सकते हो या आप मक्खन लगा सकते हो, मगर मैं कभी क्या करती हूँ कि पराठे में ये तवे पे घी डालती हूँ, और कुछ मैं ऐसे करूँगी कुछ मैं अलग तरीके से करूँगी, मतलब ऐसे इसको पका के आलू पराठे को ऐसे पका के ऊपर से मैं डालूँगी घी। तो दो तरीके हैं, दो तीन तरीके, अपना अपना स्टाइल है, मेरा शिवाला का स्टाइल, शिवाला का स्टाइल, शिवाला जैसे पकाती है तो ऑब्वियस आप अपने तरीके से बनाइए, आपको जो अच्छा लगे, मुझे बेस्ट जो लगता है मैं वही करती हूँ, कभी एक्सपेरिमेंट भी करते रहना चाहिए, एक्चुअली लाइफ इज़ फुल ऑफ एक्सपेरिमेंट, फुल ऑफ एडजस्टमेंट। आज का ये है कहना, टुडे सेइंग ये है कि लाइफ इज़ फुल ऑफ चॉइस, फुल ऑफ एक्सपीरियंस, फुल ऑफ एडजस्टमेंट, प्यार करते रहो, प्यार देते रहो। और इस तरीके से अभी मैं पराठे को बना रही हूँ, पका रही हूँ, और गैस जो है मैंने तेज रखा हुआ है, ये भी पकाने का जो है ना अच्छे से पक जाता है पराठा, मतलब अगर हम लोग इस तरीके से दबाते हैं, और ये रोटी का ही कपड़ा है, साफ कपड़े से पराठे को अगर हम लोग दबाते हैं अच्छे से तो ये पक जाता है साइड से, जैसे देखिए साइड से नहीं थोड़ा कच्चा कच्चा दिख रहा है, मगर ये पूरी तरह से पकना चाहिए तो मजा आएगा। फिर ये मैंने पराठा अभी उतारा है, और इसमें मैं लगाऊंगी गर्म गर्म पराठे में घी। यमी यमी लग रहा है देखते में, मजा आ रहा है, और तो मैं सर्व करूंगी प्लेट में। वैसे तो मैंने दही रखा हुआ है, तो दही का मैं बाद में किसी दिन आपको दिखाऊंगी, दही के साथ खा सकते हैं, ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं। दिस इज़ माय आलू पराठा। सो सब्सक्राइब माय चैनल फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माय वीडियो, शेयर, कमेंट्स एंड लाइक, लव यू ऑल।